चीन की बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनी डोहन ने आईटेक नाम से डुअल फ्रंट व्हील स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट में दो व्हील और पीछे सिंगल व्हील दिया गया है। ज्यादातर टू व्हीलर स्कूटर के फ्रंट व्हील को ब्रेक करने से एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा रहता है। यह स्कूटर कभी गीले या बर्फीली जगह पर फिसल जाती है, इसलिए कंपनी ने इसके फ्रंट में दो व्हील और रियर में सिंगल व्हील दिया गया है ताकि एक्सीडेंट का खतरा कम हो। आईटेक डोहन कंपनी का दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाते वक्त जमीन पर पैर नहीं रखने पड़ेंगे। इसे बैलेंस करने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जी हाँ, ये स्क्रू तीन पहियों के साथ आएगा। इससे आप एक टिल्टिंग स्क्रू भी कह सकते हैं। टिल्टिंग का मतलब सही मायने में किसी भी तरह के सरफेस पर आसानी से दौड़ने में सक्षम होने वाला स्कूटर होता है। स्कूटर का एक पहिया किसी ऊंचे स्थान पर हो और अन्य पहिया नीचे हो, ऐसी स्थिति में स्कूटर में लगे हुए सस्पेंशन पूरी तरह से मुड़ जाते हैं, जिससे स्क्रू बिना अपना संतुलन बिगाड़े आगे बढ़ता रहता है। इस ट्राइक के आगे के पहियों को 18 सेंटीमीटर तक ऊंचे स्थान पर लाया जा सकता है। आईटेक टिल्टिंग स्कूटर को 30 डिग्री तक झुकाया जा सकता है। तीन पहिए और चौड़े फुटबोर्ड के नाते इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको आरामदायक और बैलेंस ड्राइविंग का मजा देता है। स्कूटर के फ्रंट में ग्लोव बॉक्स, लाइट डिजाइनर कंसोल और एक एक्स्ट्रा लार्ज लेगरूम दिया गया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि तीन पहियों की वजह से इलेक्ट्रिक स्कूटर आसानी से ड्राइव की जा सकती है। ड्राइविंग के दौरान चालक को स्कूटर के गिरने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। स्कूटर के फ्रंट को बेहद शार्प लुक प्रदान किया गया है। इसके अलावा चालक को बेहतर और आरामदेह सफर प्रदान करने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट भी बेहद शानदार तरीके से किया गया है। इसमें चालक का पैर पूरी तरह से फ्रंट पैनल से कवर है और चालक की सीट को थोड़ा नीचे रखा गया है। कलर्स ऑप्शन की बात करें तो ये स्कूटर ब्लैक, रेड, ब्लू और व्हाइट जैसे चार रंगों में अवेलेबल है। स्कूटर के फ्रंट में राउंड शेप एलईडी हेडलाइट्स, साइड में टर्न इंडिकेटर और रियर में एलईडी टेल लाइट दी गई है। स्कूटर में फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बटन के साथ एक सामान्य दिखने वाला हैंडल बार है। पावर और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के पीछे के पहियों में 1490 वाट की पावरफुल बॉश इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है। टॉप स्पीड की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को फर्स्ट गियर में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और सेकंड गियर में 45 से 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से दौड़ा सकते हो। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 60 वोल्ट 26 एएच की लिथियम आयन स्वैपेबल बैटरी दी गई है, जिसे एक बार फुल चार्ज करके 90 किलोमीटर तक नॉनस्टॉप राइड ले सकते हो। इसकी बैटरी को निकाल कर घर में या ऑफिस में आसानी से चार्ज किया जा सकता है। चार्जिंग समय की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी को 6 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। आईटेक स्कूटर 160 केजी का मैक्सिमम लोड उठा सकती है। डायमेंशन की बात करें तो आईटेक की लेंथ 1780 mm विथ 730 mm और हाइट 1030 mm दी गई है। इसके साथ ही 1250 mm का व्हील बेस, 607 mm फ्रंट रैक और 750 mm की सीट हाइट दी गई है। स्कूटर का मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस 130 mm का है। इसके अलावा डोहन आईटेक की बॉडी को एल्यूमिनियम से बनाया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के तीनों टायर में हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक दिया गया है। फीचर्स की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्रूज कंट्रोल, कीलेस स्टार्ट और रोल लॉक सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी टिल्टिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल कार बाइक के लिए को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।